नमस्कार, मैं हूं सुनील भारती और आप देख रहे हैं सीटीवी मिथिला। और इस वक्त मैं मधुबनी जिला के रहका प्रखंड क्षेत्र में हूं। आपको बता दें कि चंदन पेड़ दरभंगा महाराज के बाद एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो चंदन पेड़ का खेती कर रहे हैं। यह एक का है पेड़ है ये, जो कि पिछले साल ही इसको रोपा गया था, लेकिन अब ये बड़ा हो गया। काफ़ी कॉस्टली पेड़ होता है और ऐसे में किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर चंदन पेड़ की खेती की जाए। तो हम बता दें कि ये पूरे जो देख रहे हैं खेत में सभी जगह यह चंदन का पेड़ लगा हुआ है। लगभग 10 फीट की दूरी पर है और 10 फीट की दूरी पर यह चंदन का पेड़ लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पेड़ लगा हुआ। क्या सर, क्या आप सोचे जो इसको लगाया जाए? बिहार सरकार का मानना है कि चंदन की खेती बिहार में हो ही नहीं सकती है, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता है। नामुमकिन को मुमकिन करने का ही मकसद हमारा है और ये चीज हम दिखाना चाहते हैं कि बिहार में चंदन की खेती कर सकते हैं किसान, और यहाँ के किसान भी दूसरे प्रदेशों की तरह धनी बन सकते हैं। इसी का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। मात्र 11 महीने का पेड़ 5 फीट से ऊपर हो चुका है। 5-5.5 फुट का पेड़ आप देख रहे हैं, जो कि ये मैं लाया था तो 6 इंची का मात्र पेड़ था। तो ये बिहार सरकार का जो दावा था कि चंदन की खेती बिहार में नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है, बशर्ते चंदन की खेती ऊंचे स्थान पे होगा। बाढ़ पानी बर्दाश्त चंदन नहीं करता है, तो उसके लिए किसान खेत को अपना ऊंचा करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फसल है कि यदि आप 50 पेड़ लगा देते हैं 5 कट्ठा जमीन के अंदर, तो आप 15 साल में करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, यानी आप एक करोड़पति किसान कहलाएंगे। तो इसी का प्रयोग मैं कर रहा हूं और अगले साल से इसका मैं प्रचार प्रसार बढ़िया से करूंगा, क्योंकि पहले मैं खुद तसल्ली कर लूं और मैं 80% संतुष्ट हूं कि नहीं, खेती हो सकती है। तो ये है धनेश्वर महतो जी, जो कि एक नेता भी हैं, एक पार्टी, अपने पार्टी में भी है इनका, और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह किसान से जुड़े हुए हैं। और ये बताइए कि सर, क्या करना चाहिए किसान को इसको लेकर के? मैं तो हर किसान से कहूँगा, चाहे मैं कह रहा हूँ 2 ही कट्ठा आप खेत में लगाइए, 5 कट्ठा व्यवस्था नहीं है तो 2 ही कट्ठा में लगाइए, लेकिन लगाइए। देखते हैं या अन्य फसल को देखते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे की भी परवरिश की जाती है। तो थोड़ा सा परवरिश करने की चीज़ है, टाइम टू टाइम पानी दीजिए, खाद दीजिए, तामिए कोरिए, निश्चित आपको 100% सफलता मिलेगी। इसको इसके साथ साथ और क्या क्या किया जा सकता है? इसके साथ आप देख ही रहे हैं कि तमाम तरह की सब्जियों के फल जो हैं वो इसके साथ रोपा हुआ है। अभी आप जहाँ खड़े हैं नीचे हल्दी लगाया हुआ है, हल्दी का पेड़ है, मतलब तमाम तरह का। ये चंदन का पेड़ इकलौता नहीं होता है, इसको एक साथी की जरूरी होती है। चंदन के पेड़ के साथ आप राहर का पेड़ बहुत आवश्यक है, 1 हाथ की दूरी पे, तो चंदन के पेड़ में आपको विकास होगा। सरकार को इस स्तर पे किस तरह की काम करना चाहिए? देखिए, सरकार को जो मदद और जो जानकारी लोगों को देनी चाहिए, मैंने बात है, सरकार के पास खुद ही जानकारी नहीं है तो दूसरे को क्या देगा। अरे, जिस सरकार की मान लीजिए बुनियादी हिंदू मुसलमान की बीमारी पे टिका हुआ है, वो क्या विकास की बात करेगा? हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक होता है जाति धर्म पे होता है, उनको पता है कि हमें जाति धर्म के नाम पे मत मिलना है, तो काहे के लिए वो नेता फिर सोचेगा कुछ और आपके लिए, जनता के लिए? तो इस बीमारी से जनता को निकलना है, ऑप्शन है आपके पास, ऐसा नहीं है ऑप्शन है, ऑप्शन है भारतीय मित्र पार्टी के रूप में, मिथिलांचल की पार्टी है, आपकी पार्टी है, घर की पार्टी है। और हमारा मकसद है कि बिहार से पलायन रोकना है, चाहे हमारी सरकार बनेगी तब बेतहाशा तरीके से रुकेगा, नहीं बनेगी तब भी 5 साल में कम से कम 6,000 आदमी को हम रोजगार देंगे, जिसका जीता जागता आप उदाहरण देख रहे हैं कि बन रहा है, 6 महीने में ये कारखाना चालू हो जाएगा, इसके अंदर कम से कम 1,000 आदमी को इसमें सिर्फ रोजगार मिलेगा।